सो मैं शिवम सर को बुलाना चाहता हूँ जो इसके फाउंडर है हमारे यहाँ से एजुकेशन ट्रस्ट के, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि वो हमारी जो टीचर है नैन्सी मैम उनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। सो वेलकम सर। नमस्ते सभी को, और साथ ही मैं सबसे पहले उज्ज्वल सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बुलाया। और बात कर रहे हैं अगर नैन्सी मैम की, जैसे कि आप जानते हैं कि नैन्सी मैम को पढ़ाते हुए पूरा एक साल हो चुका है। इस एक साल में नैन्सी मैम ने जो बच्चों को पढ़ाया है उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जब हम जाते हैं उन बच्चों के पास, हम उन बच्चों से बात करते हैं, उन बच्चों के बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, इवन छोटे बात करते हैं अगर तो चप्पल उतारने का तरीका, ये सब चीज़ काबिल तारीफ, मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि बच्चों में कितना बड़ा बदलाव आया है सिर्फ नैन्सी मैम की वजह से। तो नैन्सी मैम का तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, आपने सुना होगा इस कहावत, कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम हमने शुरू किया और तभी कुछ गलत हो गया उसमें। तो जैसा कि अभी अगर हम अभी हमारे 7 सेंटर चल रहे हैं, अभी अगर कोई सेंटर खोल दिया और उसके टीचर जो हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो अच्छे से ना पढ़ा पाए या सेंटर खोलते ही बंद कर दें, तो हमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम दूसरा वहाँ पे उनका सब्स्टिट्यूट हम ढूंढ लेंगे। लेकिन पहला ही सेंटर हम खोल रहे हैं उसमें हमें कोई कमी आ जाए तो फिर बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए, फिर हम टूट जाते हैं अंदर से, फिर हम शायद इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हम कर पाए। तो नैन्सी मैम का तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और नैन्सी मैम के साथ साथ जो उनके भाई हैं गौतम चौहान और उनकी मम्मी राखी जी, इन सबका ही बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि खाली नैन्सी मैम ही नहीं पढ़ाती है बच्चों को, नैन्सी मैम के साथ साथ ये सभी लोग बच्चों को बिल्कुल अपने परिवार की तरह समझते हैं। मैं कई बार सेंटर पर मैंने विजिट किया है, तो विजिट करते हुए मैंने देखा है कि नैन्सी मैम की जो मम्मी है वो बच्चों को इतना ज़्यादा ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि उनके परिवार के ही बच्चे हैं वो, मतलब शायद मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई मैंने कि यार कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब नैन्सी मैम के जो भाई हैं गौतम चौहान वो भी पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का, और बच्चों के लिए जितना भी भागा दौड़ी काम होता है सब वो करते हैं। तो मैं इस परिवार को कभी भूल नहीं पाऊंगा कि इस परिवार से इतना प्यार मिला, बच्चों को प्यार मिला और मुझे प्यार मिला, इस परिवार के लिए मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ।